बिहार की काराकाट सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने किया नामांकन। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने किया नॉमिनेशन। विक्रमादित्य सिंह के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने किया नामांकन। नामांकन से पहले किया था रोड शो। तेलंगाना के भुवनगिरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा 2024 का चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी। शाह ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की कही बात। चित्रकूट में जेपी नड्डा ने की रैली, बोले मोदी सरकार ने 10 सालों में देश में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लखीमपुर खीरी में रैली, बोले चुनाव में एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी ओर हैं राम विरोधी, आज भी राम मंदिर का विरोध कर रही है एसपी और कांग्रेस पार्टी। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही प्रियंका गांधी, बोली कांग्रेस ने उद्योग धंधे बढ़ाए और बीजेपी ने उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दे दी। यूपी के गाजीपुर में एसपी प्रत्याशी अफजल अंसारी की बेटी नूरिया चुनाव प्रचार में जुटी, गांव गांव पहुंचकर जनता से कर रही हैं वोट की अपील। अमेठी में कांग्रेस नेता दीपक सिंह दुकानदारों को दे रहे गुलाब का फूल, फूल देकर कांग्रेस को वोट करने की अपील कर रहे हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल में देश में 8% के करीब घटे हिंदू, मुस्लिम आबादी करीब 10% से बढ़कर 14% के ऊपर हुई। आबादी रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह, कहा आने वाले दिनों में ये लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल रहा है। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा 2021 में होने वाली जनगणना तो हुई नहीं, केवल जनता को भ्रम में डालने के लिए मुद्दा ले आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा देश में समान नागरिक संहिता की बहुत जरूरत, हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला खत्म होना चाहिए। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी, कहा ये लोग ध्यान भटकाने के लिए रोज कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं, मीडिया से सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील उन्होंने की। जनसंख्या रिपोर्ट पर वीएचपी ने जताई चिंता, कहा तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है, समान जनसंख्या नीति बने। पीएम परिषद की रिपोर्ट पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, 2021 से नहीं हुई जनगणना, कास्ट सेंसस की मांग पर नहीं दिया जवाब, सिर्फ जरूरी मुद्दों से भटका रही सरकार। नवनीत राणा के बयान पर बोले ओवैसी, कहा कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं, आप 15 सेकंड क्या एक घंटा ले लीजिए। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का ओवैसी ब्रदर्स पर भड़काऊ बयान, का 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां गया। नवनीत राणा को वारिस पठान का जवाब, पूछा क्या कर रहा है प्रशासन, यही बात अगर मैं बोलता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती। नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, पूछा देश जानना चाहता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन। राहुल का तीखा हमला, का पहली बार पब्लिक में लिया अडानी अंबानी का नाम, आपको ये भी मालूम है कि टेम्पो में देते हैं पैसा, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप, कहा था क्या कारण है शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है, टेम्पो भरकर माल पहुंचा है क्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर बयान, कहा इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, सोनिया राहुल देश से मांगे माफी। बीएसपी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की, कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को दिया टिकट, देवरिया से संदेश यादव को उम्मीदवार बनाया। मायावती के एक्शन के बाद बोले आकाश आनंद, बहन जी आपका आदेश सर माथे पर, अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में ट्रक से 8 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम करेगी आगे की कार्रवाई। टाटा समूह की एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा फैसला, छुट्टी पर गए 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया गया। क्रू मेंबर्स के छुट्टी पर जाने की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज 74 फ्लाइट रद्द की, यात्रियों को पहले ही दी गई थी सूचना। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, सलमान के अलावा 2 और एक्टर के घरों की हुई थी रेकी, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने आरोपियों को भेजा था। जम्मू कश्मीर में जोजिला पास पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से सड़कों पर आया मलबा, खतरे को देखते हुए श्रीनगर से लद्दाख जाने वाला हाईवे बंद किया गया।
उत्तराखंड के बागेश्वर और अल्मोड़ा में बेमौसम बरसात से बिगड़े हालात। सड़क से होते हुए नालों में तेजी के साथ बह रहा है बारिश का पानी। अल्मोड़ा में सड़कों पर आया पहाड़ों से मलबा और बड़े पत्थर। सड़क पर पत्थरों से बना पहाड़, लोगों को दुकानें खोलना मुश्किल हो रहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नदी में पलटी नाव, 6 लोगों को मौके से बचाया गया, 2 लोगों की तलाश जारी। कपाट खुलने से पहले भव्य तरीके से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। कल सुबह 7:15 पर खोले जाएंगे कपाट। आज गौरीकुंड से रवाना हुई बाबा केदार की डोरी। IPL में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर। धर्मशाला के स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।